प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। आप कैसे मैसेज करते हो? मैं कर ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा Instagram, मेरा WhatsApp सब मेरी वाइफ चेक करती है भाई। अगर फ्रेंड हुई हमारी कोई म्यूचुअल, वो अगर हम बैठे हैं गर्ल्स दोस्त, अच्छा वो तुमसे भी बात करता है? अगर उसने तो मुझे ऐसा कहा कि वो किसी से भी बात नहीं करता। अच्छा, वहाँ भांडा फूट जाता है मतलब। राइट, हेलो पीपल, वेलकम बैक टू औरंगाबाद फेवरेट पब्लिक रिएक्शन शो बोल औरंगाबाद। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त बाजीगर, और आज का हमारा टॉपिक है औरंगाबाद ऑन बैड फ्लडिंग। इसका इंट्रो मुझे देने की लगता है जरूरत नहीं है, तो चलिए लोगों से सुनते हैं उनके जवाब। आपको कोई मैसेजेस आते हैं, DMs आते हैं, या आपको कोई अप्रोच करता है, तो मुझे बताओ कि क्या नहीं करना चाहिए उन्होंने, और आपको कौन सी चीज़ से इरिटेट होता है? मतलब ज़्यादा पीछे पीछे नहीं आना चाहिए इतना। राइट, एक तो DMs ही नहीं आते। अरे हाँ, इधर तो अलग ही प्रॉब्लम है। मैं तो सीधा ब्लॉक कर देती हूँ। हाय आया तो भी ब्लॉक कर देते। हाँ, तो लड़के बार बार मैसेज करते हैं। ओके, फिर वो नहीं करना चाहिए। अच्छा। कि अगर रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं इंस्टा पे, तो उनके जो कमेंट्स होती है ना, वो बहुत मतलब बहुत इरिटेट हो जाती है। अच्छा। कभी कभी बहुत क्रिंजी क्लीशे कमेंट्स रहते हैं ऐसे। हाँ, मैं DMs आते ही नहीं है भाई। मुझे लगता था लड़कों के हाले पर होता है, लड़कियों में भी चलो कुछ नया। खुद की ज्यादा तारीफ, मतलब मैं वैसा हूँ। सिंपैथी बहुत गेन करते हैं। ठीक है, ये मैडम से मुझे कुछ उम्मीद है। ज्यादा फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। और अगर फ्लर्ट भी किया है तो सामने वाले की रिस्पेक्ट देके। अच्छा। उनको ओके, रिस्पेक्ट से फ्लर्ट कैसे होता है? नहीं, मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी तो ढूंढ के दो तुम्हारी जैसी। तो फिर बाद में कुछ आप मेरा ही फोटो सेंड करेंगे, मुझे ये लड़की चाहिए ऐसे। इनको बहुत ज्यादा ही DMs आते हैं मुझे। एक बार नहीं बोला तो फिर ज्यादा इरिटेट नहीं करना चाहिए। तो आप तो हाय बोलने पे ब्लॉक कर दोगे तो फिर आगे क्या इंसान सुनेगा? कभी कोई इमरजेंसी काम के भी मेरे को मैसेज करेगा ना। एक वाला वो सेंटेंस होता है जो कि मतलब खुद किसी बारे में बात नहीं करता। मतलब नेशनल लेवल झूठ है ये। तेरे यार किसी से फॉलोअर्स फॉलोइंग देखे तो पूरी लड़कियां होती है। जैसे कोई हमको पसंद है तो हम उसका अटेंशन पाना चाहते हैं, तो हम उसको या तो DM करते, मैसेज करते, या तो फेस टू फेस अप्रोच करते। तो मुझे बता आप कैसे DM में अप्रोच करते? मतलब किसी को भी, मींस किसी को भी, मतलब आपके चाहने वालों को, आपकी सहेलियों को। सहेलियों को यार, हमारी तो कोई सहेलियां नहीं है। मैं तो पहले अप्रोच नहीं करता, लड़के मुझे अप्रोच करते हैं। ओह माय गॉड, हवा अंदर थोड़ी सी हवा अंदर। DM में कभी अभी तक ट्राई किया नहीं है। वैसे तो लड़के को प्रोफाइल सेंड भी करा अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, और फिर प्रोफाइल देख के ही इम्प्रेशन अलग पड़ जाता है कि बाबा है, अच्छा बंदा दिख रहा है कि इसके वजह से। मैं तो मतलब बात करता नहीं हूँ किसी से। अगर सामने से कोई लड़की मैसेज कर दे तो कर लेता हूँ बात। आज तक कभी किसी को सामने से मैसेज नहीं किया? नहीं। आप कैसे मैसेज करते हो? मैं कर ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा Instagram, मेरा WhatsApp सब मेरी वाइफ चेक करती है भाई। मेरा बहुत वीक पॉइंट है ये, मैं कि मेरे को चैटिंग करना नहीं आता। टू बी फ्रैंक, मैं डायरेक्ट अप्रोच करता हूँ। सो मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं डायरेक्ट अप्रोच फेस टू फेस। फेस टू फेस मैसेज DM नहीं करते हम, मिल के ही करते सब। मतलब फेस टू फेस डायरेक्ट जाके बोलते हो लड़के? अरे क्या बात है, ये तो बेस्ट तरीका है। मैं तो DM करता नहीं हूँ पहले से खुद से। लाइक अगर सामने से सेम एनर्जी आ रही है तो ऑब्वियसली मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। स्कूल और कॉलेज टाइम की बात करें तो मैसेज क्या, सिंपली हाय हेलो, बंदी रिप्लाई देती है तो ठीक, नहीं तो सीधा ब्लॉक। ओके, सिंपल ब्लॉक डायरेक्ट। और क्या, मुझे ये बताओ कि क्या करना चाहिए फिर अगर कोई आपको मैसेज कर रहा है? मतलब नॉर्मली बात करो, ज्यादा भी उसको मतलब उसको अगर अटेंशन दिया तो इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसलिए अटेंशन ना ही दिया तो अच्छा होता है। मैं वैसे टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं लेती। इधर तो है ही नहीं, हाय बोले तो ब्लॉक। आप अटेंशन मत दो कि वो इरिटेट हो जाए एक टाइम पे। गर्ल्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड। अगर ऐसे तारीफ करते फिर वो चांद तारे तोड़ लूंगा, ऐसे नहीं चाहिए, ओवर रिएक्ट। ये तो बहुत क्लीशे हो गया चांद तारे वाला। सपोज इफ आई लाइक यू और मैं आपको अटेंशन नहीं दूंगा, तो आप मेरे पे वैसे भी अटेंशन दे नहीं रहे, तो वो भी नहीं दोगे ना, तो ऐसे तो हो ही नहीं रहा है कुछ। वैसे नहीं, अगर प्रपोज कर रहे हैं तो डायरेक्ट आई लव यू मैसेज डालो, नहीं तो बोलो ही मत। अरे हाय के पहले आई लव यू कैसे बोलेगा इंसान? आपको कोई पिकअप लाइंस आई क्या आज तक? किसी ने कोई पिकअप लाइन दी है? आई वांट अ प्रिंसेस इन माय लाइफ एंड। अच्छा, सो आई एम द प्रिंस। कोई फेवरेट पिकअप लाइन है जो आप हमेशा यूज करते हो? पिकअप लाइन के लिए जब से देखा मैंने तुझको शायरी याद आ गई। अरे बाप, वाह वाह,
पिकअप लाइन तो नहीं बोलूँगा बट कॉम्प्लीमेंट नहीं दूंगा उसका आउटफिट या आईज पे। ओके ब्लू आईज हिप्नोटाइज आईज पिकअप लाइन तो ऐसा कुछ नहीं बट हाँ ऐसा टेक्निक यूज कर सकते हैं, लड़कियों को चॉकलेट्स काफी पसंद होती है आप उनको ऑफर कर सकते हो। अच्छा। कि सुना है आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है। अच्छा। लेट्स हैव ओरियो शेक टुगेदर। लेट्स हैव ओरियो शेक, लेट्स गो टुगेदर। ठीक है पिकअप लाइन से तो वही अच्छा है ना कि केयर करे लड़की। बाबू ने खाना खाया क्या, बाबू ने दवाई खाई क्या, कैसे लग रहे हैं ये सब तो नहीं बोलना चाहिए पर कभी मेरी नजर से खुद को देखो खुद ही खुद पे फिदा हो जाओ। सपोज कि मैं लड़की हूँ अभी मैं मेरे को अप्रोच करो बोलो हाय हेलो अभी ऐसे नहीं बता सकता ना मेरे को देख के फीलिंग नहीं आ रही इसको। लाइक मेरा ऐसा कुछ है तो नहीं लाइक कॉम्प्लीमेंट एंड ऑल बट लाइक या कॉम्प्लीमेंट लाइक मैं पिकअप लाइंस वो यूज़ नहीं करता लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक साउंड चीप ना सो मैं लाइक उनके लाइक वो खुद को जैसा कैरी करते हैं लाइक उनको उनके हेयर्स ऑब्वियसली कर्ली हेयर्स एंड ऑल लाइक वो सब का लाइक एक ये होता है सो मैं उन पर लाइक बात कर लूँगा या उनको लाइक कॉम्प्लीमेंट दे दूँगा उस चीज़ को लेके। ओके आपने 10 से 15 बार लाइक बोला है पता है क्या प्रॉब्लम होगा तो शेयर करने का वगैरह okay. उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने को ट्राई करने का। अच्छा मतलब अपने लाइफ की लगी पड़ी है पर अपन उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे भाई। आपने बताया क्या कुछ मैं बोलता हूँ कि तुम बड़े खूबसूरत दिख रही थी। एक मिनट अभी इसने क्या बोला था पहले मैं सामने से मैसेज करता भैया। सो डूज एंड डोंट्स ऑफ फ्लर्टिंग आपको पता चली गए होंगे एंड थैंक मी लेटर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त बाजीगर और आप देख रहे हैं बोल औरंगाबाद। भैया इधर 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 इसका ध्यान ही नहीं बंदे का कहाँ अभी नहीं जाना है उसके पास अप्रोच करने के लिए रुको हो गया उसकी बात नहीं है। अच्छा ओके ये सिर्फ इनका वाइट सिर्फ हंसने के लिए है जितने बार भी कोई हंसेगा वीडियो में हम लोग इनका वीडियो डाल देंगे। अरे 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 वो तो जालना पहुंच जाएगी वो हंसते हंसते ऐसा लग रहा है।